अच्छा, कंगना को तनु वेत्स मनु के लिए नेशनल अवार्ड मिला, आपको इस फिल्म के लिए चाइना में एक अवार्ड मिला, तो कंगना को क्या कहना चाहेंगे आप उनके नेशनल अवार्ड के लिए? कंग्रेचुलेशंस। बट लेकिन अभी ये जो सब हो रहा है, आई मीन लाइक यू नो दिस लीगल थिंग एंड ऑल। अच्छा, इस फिल्म के गाने एंड मैथ्स में डब्बा गुल, मतलब इतना एसोसिएटिंग लगता है गाना, क्योंकि सब लोग मैथ्स में कहीं ना कहीं तो डब्बा गुल हो जाता है। मैथ्स में डब्बा गुल, साइंस में डब्बा गुल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लाइक जीरो, इकोनॉमिक्स में डब्बा गुल, बट आई वाज ओके इन, आई मीन आई वाज गुड इन हिस्ट्री एंड इंग्लिश। मैथ्स पता होता क्यों है मुझे समझ में नहीं आता है, लाइक इट्स सो डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दोस नंबर्स एंड ऑल। 10th में पहले था बहुत बुरी तरह, 10 प्लस 2 प्लस 74, 10 प्लस 2 प्लस 74, या 10 प्लस 2 प्लस 12 हेलो पीपल एंड वेलकम, माय नेम इज विवेक एंड माता रानी की कसम आज ना शो में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मेरे साथ आज कॉन्वर्सेशन में है नील भट्टी सन्नाटा के कास्ट एंड द कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर अश्विनी and Riya and Sura. Hi, welcome to the show. Hello, thank you. Hello. First of all, I would like to ask you this, that movie ने तो London में, China में सब दूर धमाल मचा दिया यार, यहाँ पर release होने वाली है, definitely यहाँ पर भी धमाल ही मचाएगी, कैसा feel होता है, you know, when you get such response? आपके मुँह में घी शक्कर, भी अच्छा लगता है आपको? Obviously, yeah, it's a very humble feeling to see so much of appreciation, and the appreciation is coming from not only industry but you know people whom like hamari aam janta. To ye concept kaise aaya, means why not all those you know pedo ke aas paas nachna gana and those dupatta hilna and all, why this such real cinema? Lot of this story or the cinema I think reflects the kind of person I am. And after I was working for a pretty long time in advertising, and वहाँ पे मैंने बहुत काम किया हुआ है, बहुत सारे projects पे, and this topic has always been revolving in my head for a very long time. अच्छा स्वरा, अगर बात करें आपके character की, तो इसमें आप एक teen girl की mother का role play करेंगे, चंदा। You played चंदा in प्रेम रतन धन पायो as well, सलमान की बहन बनी। बहुत ही अलग चंदा थी वो। कौन चाहेगा सलमान खान की बहन बनूँ? I know, मेरा दिमाग obviously खराब है। और हाँ, आई थिंक दैट ऑब्वियसली जैसे कि आप देख रहे हो, इनफैक्ट मेरे कई दोस्तों ने जब मैंने उन्हें बोला कि मुझे ये फिल्म ऑफर हुई है, जब अश्विनी ने ऑफर करी थी कि 15 साल की माँ की बच्ची की माँ का रोल है जो कि एक बाई है, तो मुझे लगा कि 15 ईयर की लड़की का रोल मेरा है, तो मैं काफी खुश हो गई कि आई एम सो यंग, यू नो ये वो। मैं अश्विनी, नो नो नो, मैं तुम्हें माँ का रोल करना है। अच्छी स्क्रिप्ट है और ऐसे तो हाथ से नहीं जाने दे सकते, और जब मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा तो देखो लाइक स्वरा, तुम्हें करियर सुसाइड करने का शौक है क्या? पहले तुम सलमान खान की बहन बन गई, तुम एक 15 साल की बच्ची की माँ बनना चाहती हो, तुम दादी बन जाओगी, मतलब क्या हीरोइन नहीं बनना तुम्हें कभी? बट आई थिंक कि यार, आई थिंक फ्रेंकली किसी भी किरदार को, मतलब आई फील कि इट डजेंट मैटर, यू नो, यू एज लॉन्ग एज जो कैरेक्टर आप कर रहे हो वो आपके लिए चैलेंजिंग है, आपको यू नो आपके लिए एक यू नो लेग पीस है कि आप उसे अच्छे से चबा के खा के एकदम ही एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस आपके लिए एज एन एक्टर। That's the only thing that matters. And you have even received the best actor award. Yes, and Neil Bhatti Sannata has received the best actress award for Chanda's performance in the Silk Road International Film Festival, which actually should go to Ashwini, because really सारे performances जो हैं वो Ashwini की बदौलत हुए हैं। I think Ashwini ने बहुत ही एक अच्छा जो director का काम होता है direction देना, इन्होंने वही किया है हम लोगों के performances, मतलब पूरा 100% आपसे निकल वाले हैं, पूरा totally it's all her doing. So I was even though मैं पहले nervous थी Neil Bhatti Sannata accept करने के लिए, but अब मुझे लगता है कि यार मेरी खुशकिस्मती थी मेरे, मैं कुछ गर्दिश में सितारे बड़ी करेक्ट जगह पे थे जब अश्विनी ने ऑफर किया मुझे, और मेरा गुरु सही जगह पे था कि मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया रोल को। सो या आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई थिंक दैट इट विल नॉट बी करियर सुसाइड आफ्टर ऑल। अच्छा रिया, इस थिएटरिकल की अगर हम बात करें, थिएटरिकली अभी तक हमने देखा है, देन हमने गाना भी देखा है मूवी का, थिएटरिकल में आप कह रहे हो कि यार इंडिया में तो बच्चों को ना अपना करियर डिसाइड करने का कोई फ्रीडम ही नहीं है, तो जब आपने अपने मॉम डैड को कहा कि यार मुझे एक्टिंग करनी है, तो क्योंकि यूजुअली क्या होता है, यू नो
कि जब हम मॉम से कहते हैं डैड से कहते हैं कि यार मुझे एक्टर बनना है, तो देयर लाइक ये तो बहुत ही लाइक यू नो नॉट सेटल्ड करियर, तो कैसे रेडी कर लिया आपने अपने पेरेंट्स को? बट हमारे मम्मा पापा बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, वो पूरे आज के टाइम के हैं. अच्छा. उनका ये थिंकिंग नहीं है कि मतलब ये लाइन वो लाइन हो. हमारी फैमिली ऐसी है कि वो हम लोगों का जो सपना है अगर वो सही डायरेक्शन में है, सही चीज़ में है, तो ठीक है, वो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, आप जाओ उसमें, लेकिन वो काम आप जो कर रहे हैं वो आप पूरे दिल से करो. सो व्हेन डिड यू डिसाइड दैट यू वांटेड टू बी एन एक्टर नाउ? अब जब ये हमारा कोई एक्टिंग का कोई रियली बताएं तो एक्टिंग का कोई प्लान नहीं था. हम सिंगिंग और अपना डांसिंग पे फोकस करते थे, क्लासिकल डांस तो इन सब में ही चल रहा था. बट हमारे गुरु जी जो हैं, जो हमें सिखाते हैं, प्रोफेसर बसंत सैकिया, वो उनका मतलब उनकी हम हमेशा मिमिक्री किया करते थे, तो वो बहुत इरिटेट हो गए थे हमसे. उन्होंने कहा इसको एक्टिंग लाइन में भेजो और इसे मेरा पीछा छुड़वाओ. I really love this when she says hum, it gives a very royal sort of, yeah. Because इसलिए क्योंकि मैं लेके नहीं, हम लेके चलने वालों में से. Oh wow, that's really nice. अच्छा अश्विनी, हमेशा ये कहा जाता है कि बच्चे जब ऑन सेट पर होते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना, उनसे 100% निकलवाना बहुत मुश्किल जाता है. So is was that the case with Riya as well? See, but that's with any kid, you know. So because their attention span is like really less. So you just need to like just keep telling them to come back after whatever they do, but you can't like tell them that okay, this is all you need to do and you can't do anything else, because that's not how they function. So it's just that let them, allow them to do what they want to, and then get them back like a school. You just have to treat them like a teacher. No, but definitely I would say that bachchon ki performance, sabki performance mein, you know, because actors kai baar aapko ye sense nahi hota ki puri film ka kya. Hum log काफ़ी स्वार्थी लोग हैं. लाइक आई नो फॉर माई सेल्फ कि आई नीड अ डायरेक्टर, लाइक आई नीड माई डायरेक्टर टू बी डायरेक्टिंग माई एक्टिंग, बिकॉज मुझे वो सेंस नहीं है कि पूरी फिल्म का कंप्लीटनेस. आप अपने ही रोल को देखते रहते हो, अपनी बेटरिंग, यू नो, हम अपना अपना सोचते रहते हैं. So I think Ashwini was able to do that very beautifully. Definitely, सी बात है कि when she came on the set, she must be a little nervous. So कैसे comfort zone पे लेके? हम actually मिल चुके थे workshops में. तो एक दो बार मतलब हम मिले हुए थे, हमने एक साथ में workshop भी किया था. But I think कि हम लोग धीरे धीरे, I mean एक बार आप काम करना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे हो ही जाता है comfort. और मैम के बारे में कि मैम बहुत ही happy वाली एकदम person है. इनके साथ बिल्कुल भी वैसा लगा ही नहीं कि इनसे हम काफ़ी टाइम फर्स्ट टाइम मिले हुए हैं इनसे, कभी लगा ही नहीं, लगा कि अपनी ही फैमिली की है. ओके, मुझे तो लगता है कि शी इज द वन हु इज मोस्ट टॉकेटिव इन द ग्रुप. आई मीन लाइक जब गर्ल्स गैंग हुआ होगा तो शी इज द वन हु वाज लाइक ऑलवेज डैड डैड डैड. या या, इन फैक्ट आई यूज सम ऑफ हर ट्रेट्स व्हिच आई नॉट थॉट बिफोर व्हेन वी वर मेकिंग द फिल्म in the dabba scene. In the dabba scene, yeah. So she did something which was like very ja kha le इधर से and I just retained that because that's how she talks, you know. If you talk about Swara and Ashwini, ठीक है, इन दोनों में से अगर आपको एक को चुनना है तो आप किसको चुनेंगे? अरे बाप रे, तो हमारे लिए बहुत ही ये पूछो किस चीज के लिए चुनना है, किस चीज के लिए चुनना है, डायरेक्टर वाले के लिए? Who was more strict? Obviously me. अच्छी का agree that you were strict. Obviously. You have to after. फिल्म कैसे बनेगी? और हमसे एक्टिंग कैसे निकलेगी? So, अगर दोनों में से किसी एक का साइड लेना है तो स्वरा दीदी का साइड लोगे या अश्विनी का? अश्विनी क्योंकि अगर हमें अपना बेस्ट देना है, अगर हमें अपना अच्छा करना है तो आप स्ट्रिक्ट के साथ चल सकते हो. अच्छा, अच्छा, इस फिल्म को नीलबट्टे सन्नाटा को आमिर खान और अमिताभ बच्चन भी बैकअप कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं. सो हाउ डज इट फील व्हेन द बिग पर्सनालिटी कम अप एंड यू नो सपोर्ट योर फिल्म एंड इंडीड व्हेन इट इज अ वेरी गुड वर्क? इज जस्ट, आई जस्ट फील वेरी हम्बल एंड इट जस्ट फील्स दैट यू नो दैट योर वर्क हैज बीन एक्सेप्टेड और देयर इज सम बिकॉज दे हैव बीन देयर डन दैट या एंड for a first time filmmaker, if you get such appreciation, it just like helps you. So how did you find Riya? Mukesh Chhabra. The Mukesh Chhabra. Chanda ke liye aapne pehle se hi decide kar liya tha ki main to ab Swara ko hi lene wali hu. Yes. Okay. Yeah, so that's also because I think she had a fight with Mukesh also saying that ye kaisa role de rahe ho tum mujhe. I was like kya hai ye,
मम्मी का रोल, एंड मुझे लग रहा था कि मैंने मुकेश को कहा कि बेटा तुम 50 जगह जाके आयोगे मेरे पास, जब बाकी सारी एक्ट्रेसेस ने मना किया होगा तब तुम मेरे पास आयोगे, बट इट वॉज एक्चुअली व्हेन आई मेट अश्विनी, मतलब जब हम लोगों ने बात शुरू करनी शुरू की एंड ऑल, एंड तब अश्विनी ने बताया मुझे कि नहीं तुम ही फर्स्ट चॉइस थी मेरी। अच्छा, इस फिल्म के गाने मैथ्स में डब्बा गुल, मतलब इतना एसोसिएटिंग लगता है गाना क्योंकि सब लोग मैथ्स में कहीं ना कहीं डब्बा गुल। मैम की एक बात है, मैम बता दी, ये हम लोगों का रिवेंज है मैथ्स के लिए। हाँ, मुझे अच्छे मार्क्स आ गए, 85 आए थे, लेकिन उसके बाद जो पतन शुरू हुआ मैं अपने ट्वेल्थ के प्री बोर्ड में ही फेल हो गई थी। मेरे मॉम डैड ने बहुत ही शोक समारोह मना था हमारे घर में मेरे मैथ्स के आंसर शीट को लेकर, जहाँ मेरी मदर और मेरे ट्यूटर रो रहे थे और मुझे उनको आंसू नहीं आ रहे थे, बड़ा था मुझे। बट नो, मैथ्स में डब्बा गुल, साइंस में डब्बा गुल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लाइक जीरो, इकोनॉमिक्स में डब्बा गुल, बट आई वॉज ओके इन, आई मीन आई वॉज गुड इन हिस्ट्री एंड इंग्लिश। इतिहास, इतिहास जानने वालों के दिमाग बहुत पूरे। अच्छा, यू हैव जस्ट गिवन 12th का एग्जाम, आई मीन लाइक इट्स सरप्राइजिंग, यू लुक सो सो हमारे, और खास करके टेग्नोमेट्री ना, वो मुझे देख के, उसको देख के प्रॉब्लम हो जाती है, वो हाइट एंड डिस्टेंस इधर का तो है ही, उधर का भी गोल ही है मेरे से, तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर हमारे जो मैथ्स के टीचर अगर वो देख रहे होंगे तो वो पहले ही बोलेंगे कि ये लड़की जाके वहाँ भी शुरू हो गई है। अच्छा, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है तुम्हारे स्कूल में? हमारा बायो, बायोलॉजी, बायोलॉजी। बैकग्राउंड ऑफ द फिल्म, राइट? सो देयर इज नो स्टेप, हम लोग एक स्टेप डिसाइड करते हैं। ओके, मैथ्स में डबल गुल का क्या स्टेप होगा? आप तो कैप्टन हैं, आप तुम करो, तुम डांसर, डांसर हो। तुम, हाँ, तुम डांसर हो, तुम करो, वील फॉलो यू। मैथ्स में डबल गुल, हाँ हम लोग का डबल गुल का था, ऐसे ऐसे करते हैं। मेरा कुछ ऐसा है, मैथ्स में डब्बा गुल मेरा, मैथ्स में डब्बा गुल, मैथ्स में डब्बा गुल। हमारा रियल स्टेप ये अभी इन्होंने हमसे पूछा, सो ये मैंने, हमने बताया और हमारा रियल स्टेप था, मैथ्स में डब्बा गुल मेरा, मैथ्स में डब्बा गुल। This becomes very confusing at times. में डब्बा गुल मेरा, मैथ्स में डब्बा गुल। मेरा कहता हूँ कि मैथ्स में डब्बा गुल, मैथ्स में डब्बा गुल। चल मैं नहीं कर सकती थी। अच्छा, you even wore this uniform of school, you went to school. ऐसा हुआ क्या कि मुझे मेरे बचपन की याद आ गई? हाँ, मुझे वो याद आई जब मैथ्स क्लास में बैठी रहती थी और देखती थी उसी बोर्ड में, दिमाग किस मुझे देश में होता था, चीन में, और टीचर कहते थे ओके सारा आंसर एंड आई शुड बी लाइक क्वेश्चन ही नहीं सुना, बाथरूम जाते थे सर। अच्छा अश्विनी, हर एक जो राइटर होता है वो जब लिखता है तो कहीं ना कहीं से वो अपना यू नो एक बैकग्राउंड भी वहाँ पोर्ट्रे करता है, तो जब आप डायरेक्ट कर रहे थे इस फिल्म को तो क्या इसमें स्कूल लाइफ में आपने कुछ अपने रियल लाइफ के इंसिडेंट डालने की कोशिश की है? देयर इज अ लॉट ऑफ माय रियल लाइफ इंसिडेंसेस इन द स्कूल और इवन आउटसाइड और इन दिस इन द रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड द डॉटर आल्सो, बिकॉज आई डोंट थिंक सो एनीवन, किसी ने अपने मम्मी के साथ झगड़ा नहीं किया हो, आई मीन सब लोग ने झगड़ा किया हुआ है और छोटी छोटी बातों पे, और मेरा तो ऐसा रिलेशनशिप है मेरी मम्मी के साथ कि व्हेन आई एम लाइक इवन टुडे इफ माय मॉम कॉल्स अप एंड लाइक एंड इफ आई एम लाइक वेरी टेंस टुडे नाउ इट्स लाइक द वेरी टेंस मोमेंट नो नेक्स्ट वन वीक इज गोइंग टू बी टेंस मोमेंट So those are the things which of course has come in the film. So you are very close to your mom. I'm very close to my mother. And that's why this is Chandra and this Apeksha, right? Apeksha Chandra ka. Appu. Yeah. मुझे तो लल्ली बहुत अच्छा लगा. लल्ली के पीछे एक कहानी है. Please बताइए. तो जब अश्विनी ने मुझे फिल्म ऑफर करी और मेरे को दो लेवल पे प्रिपेयर करना था, एक तो ऑफ कोर्स मदर की फीलिंग क्योंकि ऑब्वियसली मेरे बच्चे नहीं है और वो फीलिंग मैं कहाँ से लाती, एंड दूसरा था कि चंदा एक हाउसमेड है, बाई है, लोगों के घरों में काम करती है, तो वो भी एक जीवन है जिसका एज सच मुझे अनुभव नहीं है। ऑफकोर्स मैं अपने मेरे घर में जो लोग काम करते हैं उनको जानती हूँ, लेकिन उनकी लाइफ, उनकी डेली रूटीन को वैसे नहीं जानती हूँ।
तो सबसे पहले मैं बॉम्बे में मेरी जो एक भाई है वो कानपुर से हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने उनको कुछ डायलॉग सुनाए और उन्हें पढ़ा, लेकिन उनका एक्सेंट अब मराठी मिक्स हो गया है उसमें, तो बहुत ही अजीब सा साउंड कर रहा था, लेकिन वो अपने बच्चों को लल्ला और लल्ली कहती हैं, जैसे बोलेंगे कि अरे आज मेरे लल्ले के स्कूल जाना है और ये वो, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, मुझे लगा कि हाँ ये करेक्ट है, ये यूपी का वो जो उस साइड वेस्टर्न यूपी का अच्छा टच है, तो लल्ली वर्ड मैंने But most of our houses, everyone has a pet name, no? We all have a pet name at home. Everyone has a pet name. Ki I know like people जिसके मैं pet name ही जानती हूँ, मैं real नाम नहीं जानती हूँ. लल्ली ना बेटा. लल्ली is another. Yeah, बेटा. बेटा. इंसान बेटा. Yeah. अच्छा चलिए एक छोटा सा maths test करते हैं. Oh my God. God me. Okay. इन दोनों. मुझसे तो मत पूछो. I'll be the teacher. आपको answers पता हैं जो सवाल पूछ रहे हैं आप? नहीं मैंने तो लिख लिए हैं. रिया से स्टार्ट करते हैं. 2 into 16 No helping each other. Wow, great, huh? अच्छा 1 into 1 is 1. अरे मैंने हम लोग को तो बोला एक और 11 होता है. अच्छा how do we say this in Hindi? 1955. 1955. टीम हो रही है, मतलब मैं तो एक एक फिर अच्छा बताइए मुझे 75 के बाद क्या आता है? 76. हाँ 75 के बाद 76. ट्रू. 10 plus 2 plus 74. 74 के 86. ये एक कंगना को तनु वेत्स मनु के लिए नेशनल अवार्ड मिला, आपको इस फिल्म के लिए चाइना में एक अवार्ड मिला, तो कंगना को क्या कहना चाहेंगे आप उनके नेशनल अवार्ड के लिए? Congratulations. Actually, Kangana is a good star, I mean, as a person. She, Kangana is a great actor. She's brilliant. Mm-hmm. But लेकिन अभी ये जो सब हो रहा है, I mean, like, you know, this legal thing and all. What I mean, it's people's personal lives. I mean, उसमें हम क्या बोल सकते हैं? True. Okay. फिर अभी rapid fire round करते हैं फटाफट. Okay. Okay. No helping each other. यहाँ पर teamwork नहीं जाएगा. यहाँ पर अगर मैं अश्विनी से बात करूँ तो अश्विनी answer देंगी. Okay. Okay. और स्वरा से स्वरा और princess से princess. ठीक है? Princess. So we'll start from you. Best romantic film in Indian cinema. At one level, I had really liked Barfi. अच्छा कौन सी romantic जोड़ी को आप next film में लेना चाहेंगी? I really like Ranbir and Deepika. Oh, Ranbir और ये Ranbir और Deepika को कोई नहीं, Ranbir और Deepika को Ranbir. Ranbir and Deepika. They are so cute. I really love this couple a lot. अच्छा commercial movies or reality cinema? Commercial which has reality in it. Super. Like Neil Bhatti Sannata. Swara or Riya? Swarya. This is very smart. Okay, now we'll come to Riya. Wow, Riya. Are you preparing or so? I'm like, in cancer school. I have a different set of questions for you. Okay, for you, Riya. Maths or science, the subject I love the most? Science. The school teacher I hate the most? पांडे जी शर्मा जी नहीं चाहिए वेरी गुड. ये दूसरे लोगों को बोल दो, अपने बारे में बोल दो, दूसरों को मौका दो कि आपके बारे में ये कहे, कहे बोल दो शातिर बोल देते हैं. अच्छा शूट लोकेशन या स्कूल? लोकेशन. माय बेस्ट फ्रेंड इज नितेश. स्वरा और अश्विनी? ये तो आप दे चुकी है. नहीं कहाँ दिया, बार बार मेरा छीछा लेदर मुझे तुम्हारे की जरूरत नहीं है, हम समझ चुके हैं. योर बेस्ट फ्रेंड इज माय हस्बैंड नितेश तिवारी, मेरा फ्रेंड है. अच्छा कौन सा? मेरे क्लास में. ओ अच्छा 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 ओके वाओ, ये आपको भी नहीं पता था? मुझे भी नहीं पता. अब अभी नितेश तिवारी है. स्वरा. स्वरा. रेडी? मैं रेडी हो जाती हूँ. दोनों के आंसर सुन लिए लेकिन मैंने तो आंसर क्वेश्चन कुछ और ही सेट किया. ओह माय गॉड. पूछो. प्रेम रतन धन पायो और तनु वेत्स मनु रिटर्न्स? मैं प्रेम रतन धन पायो. माय फेवरेट मेल एक्टर इज
I have a crush on Shah Rukh Khan from the time that I was like 10 years old. I mean, all the girls are falling for Shah Rukh Khan. So, and my favorite female actor is? Then there are lots. Okay, there are lots. But so from Purane time, Madhubala, and from Naya time, Rani Mukherjee and Divya Datta. School life or college life? School life. I hate this. I went to girls' college, yeah. School life. I hate this subject the most when I was in school. Physics, chemistry. Physics. Math. Maths. Ab to khatam hi ho gaya na subject. Chemistry. आगे तो कुछ गलत ही नहीं है. Drawing भी बोल दो वो तो नहीं 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 It was really nice talking to you people. Thank I really had you. Wonderful time talking to you Thank people. You so and like, you know, itna charming, itna positive yahan par environment set kar diya tha aap logon ne. So, film kitna amazing hoga. Definitely. To aap log theater mein zarur jayega. Theek hai? Ye pirate series wagera jo hoti na, bilkul nahi. Superb. I love this guy. Superb. Bilkul. Just agree. She does. I did. 22nd April. 22nd April in the theater. Friday, Saturday tak max. 22nd April? Yes. In the theater. Friday, Saturday max.